कंटेंट का मतलब हो सकता था कि आप पावर पॉइंट भी बना सकते हो। तो कंटेंट का मतलब अगर देखा जाए जो मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हमारे हैं, जो एनईपी 2020 का इंस्टिंक्ट है वो ये कहता है कि ऑनलाइन कंटेंट या ई कंटेंट का मतलब पीडीएफ भी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है और वीडियोस भी हैं। एक्सटर्नल लिंक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो किसी और का कंटेंट अगर है तो आप उसके नाम से रेफर करके वो भी बच्चों के। बट इन द रिसेंट टाइम में अभी जो वीसी सर ने गाइडलाइंस दी है वो ज्यादा जोर हमारा है। अब वीडियो कैसे बनेगा इस पे हम बात करते हैं, और कैसे आप अपलोड करेंगे वो बताते हैं। तो पावर पॉइंट या पीडीएफ आप बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए हम सब लोगों ने कभी ना कभी वीडियोस बनाए हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका तो वही है कि आप अपने इस कॉलेज में या घर पे एक बोर्ड अरेंज कर लें, उस पे लिखें और सामने एक ट्राईपॉड, मोबाइल को पकड़ने वाला ट्राईपॉड लगाकर मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लें। दूसरा तरीका वीडियो बनाने का जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप घर पे A4 साइज की शीट ले लीजिए और मोबाइल होल्डर आते हैं अमेजोन पे 300-400 रुपए के, अदरवाइज वो भी नहीं है, तो अपने मोबाइल को आप टिल्ट करके रख लीजिए ऐसे कि आप देख रहे हैं वो उसे आपके हाथ के ऊपर मोबाइल एग्जैक्टली रखा हुआ है, तो मोबाइल नीचे वीडियो बना रहा है, आप जो भी A4 रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसमें एक और अच्छा काम कर सकते हैं आप कि आप मोबाइल, तो आपको मोबाइल पकड़ना नहीं पड़ेगा या टेम्परेरी कहीं टिकाना नहीं पड़ेगा, मोबाइल होल्डर मोबाइल को हफ्ते बोलते भी जाइए तो आपको बाद में वॉइस ओवर देने की दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज बहुत सारे टीचर स्लाइड बना लेते हैं, फिर वॉइस ओवर देने का काम उनका टल जाता है, फिर वो कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें एडिट करते हैं। मैं बहुत आसान और ऑर्गेनिक वे बता रहा हूँ, आप एक पेपर पे लिख रहे हैं और आप घर पे अकेले बैठे, घर पे ये काम हो सकता है, पेपर पे लिख रहे हैं वहीं पर आप लिखते लिखते बोलते जा रहे हैं और मोबाइल ऊपर से नीचे की तरफ रखा हुआ है, जैसे आमतौर पे हम लोग टेबल पे मोबाइल रखते हैं, इसका उल्टा, मोबाइल नीचे होगी तो वो वीडियो में रिकॉर्ड होता रहेगा। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि अगर आप आजकल लैपटॉप का छोटा वर्जन है टैबलेट, तो टैबलेट मार्केट में आ गए हैं और टैबलेट आप लोग लेना चाहें पर्सनल यूज के लिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि टैबलेट से भी हम लोग के रिसर्च पेपर वेपर बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो टैबलेट से आप, टैबलेट में वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, तो टैबलेट में लिखना तो इतना आसान होता है कि जैसे आप A4 साइज पे लिख रहे हैं उससे भी सुंदर राइटिंग आएगी और उससे भी बढ़िया तरीके से आप लिख पाएंगे। तो आप टैबलेट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मोटा मोटा वीडियो रिकॉर्ड करने के 3 तरीके हैं। एक तो घर पे आप चाहे कोई एक जगह पर रूम में बोर्ड लगा लें, मार्केट में 4x3 के व्हाइट बोर्ड आते हैं, मार्कर बोर्ड 1000-1200 रुपए के, और वीडियो रिकॉर्ड करते समय अगर बोर्ड टीचिंग आप कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जहां पर आपने कैमरा लगाया है, अपना मोबाइल रख से रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्टेंस सर आपकी आपको देखना है कि एक लीड जो वॉइस की क्वालिटी को बढ़ा देती है उसको बोलते हैं बोया माइक, BOYA, बोया का माइक आता है। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, 600-700 रुपए का है। जिनको लगातार ई कंटेंट डेवलप करना है, केवल ज्ञान संचय के लिए नहीं, क्योंकि आगे अभी आपने देखा होगा मेरे कॉलेज में भी अभी कल ही MHRD की तरफ से एक लेटर आया है और एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आया है ई कंटेंट बनाना है, तो आपका तो डबल फायदा है, ज्ञान संचय आपको पहले ही ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो आप चाहे तो बोर्ड टीचिंग पे बना सकते हैं या फिर आप A4 साइज के पेपर पे। एक बार जरा मैं बस चेक करूंगा मेरी आवाज आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल? हाँ सर आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी सर डिस्टर्ब हो रही है। सर आवाज कट रही है बीच में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मे बी जस्ट फॉर अ मिनट, मे बी हो सकता है 30-40 सेकंड तक नेटवर्क इशू है, मैं भी रिपीट करता। तो फिलहाल आप, आपको करना यह है कि बढ़िया बनेगा। आप वीडियो बनाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे आप लिख सकते हैं व्हाइट साइज से पेपर,
और मोबाइल से ऊपर मोबाइल होल्डर से मोबाइल को टिका लीजिए। आप नेट पे देखेंगे अभी आपको आइडिया लग जाएगा। मीटिंग के बाद आप गूगल पे सर्च करिएगा मोबाइल होल्डर, बस अपने आप दिख जाए मोबाइल होल्डर दिख जाएगा। तो मोबाइल होल्डर बहुत आसान होता है और आप उसको घर पे किसी भी टेबल में लगा लीजिए या बेड पे बैठे हुए हैं तो उस पे लगा लीजिए, टिक जाएगा। कागज पे लिखते रहिए, जो लिख रहे हैं वो आप कागज और आपका हाथ दोनों प्रॉपर आ रहा है वे में जैसे जैसे आप लिख रहे हैं, या फिर उसी तो पूरे क्लासरूम की आपका लेक्चर सेट हो जाएगा बहुत आसानी से। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि एक टैबलेट आते हैं, लैपटॉप्स का छोटा वर्जन होते हैं टैबलेट, टैबलेट में आप लिखते भी रहिए और वॉइस ओवर पैरेलल हो जाता है। ये तरीके से आप बना सकते हैं। अब कुछ सवाल आपके कॉमन वो एंटरटेन पहले से कर ले रहा हूं, पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है 40 मिनट का, एक घंटे का, वो कैसे करें? तो वीडियो ज्ञान संचय पे अपलोड नहीं होता है बता रहे हैं आप, चाहे आप 10 मिनट का वीडियो बनाए चाहे 40 मिनट का। ई कंटेंट वीडियो अगर है तो कैसे अपलोड होगा ज्ञान संचय पे मैं बताता हूँ। आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, तो जो टीचर्स आसानी से यूट्यूब बना सकते हैं ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब ले सकते हैं। अब ट्रेडिशनली जो हम ज्ञान संचय पे काम करते हैं, आपको अपना वीडियो अपने ही यूट्यूब चैनल पे डालना है, ज्ञान संचय पे नहीं डालना है, वो आपकी अपनी एकेडमी के सेट है। व्हाटएवर यू डेवलप यू हैव टू अपलोड योर ई कंटेंट ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपना वीडियो आप अपलोड करते जाइए और उसका लिंक आप ज्ञान संचय पोर्टल पे डालिए। अब ज्ञान संचय पोर्टल पे आप कैसे अपलोड करेंगे ये सवाल आया, तो आपने ज्ञान संचय पोर्टल पे पहले गूगल फॉर्म भरा और गूगल फॉर्म भरने के बाद 2 दिन वेट करा, वेट करने के बाद आप आ जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड। फिर आप ज्ञान संचय की साइट को अभी देखिएगा, टीचर लॉगिन में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा, वो वही पासवर्ड आपके अभी आ रही है क्या आवाज सर? वो बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है बीच बीच में सर। अच्छा ठीक है, मे भी बाकी लोग तक मेरे ख्याल समझ आ रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? जी सर। सर आवाज तो आ रही है पर साउंड डिस्टर्ब है, इट्स लाइक ब्रेकिंग, बीच में काफी वाइब्रेशंस हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आप एक मिनट रहिए, मैं दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर रहा हूँ। आप एक मिनट सभी लोग वेट करेंगे, मैं दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर रहा हूँ। आई गेस कि अब आवाज आनी चाहिए आप तक, आई गेस अब आवाज पहुंचनी चाहिए। जी सर आ रहा है, अभी क्लियर है। हाँ अभी आनी चाहिए, मैंने नेटवर्क स्विच करा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। आप ज्ञान संचय पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर टीचर लॉगिन पे जाएंगे, टीचर लॉगिन पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा, टीचर लॉगिन पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा जो आपके मेल पे आया होगा। फिर वहां पूछेगा अपलोड योर लेक्चर। अब अपलोड योर लेक्चर में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको अपना थोड़ा डिटेल डालना होगा, जैसे आप कौन सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंटेंसी है, तो सपोज मैं इनकम टैक्स पे आज पहला लेक्चर डालने जा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट में लिखूंगा इनकम टैक्स। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज माइक को म्यूट कर ले, इको क्रिएट हो रहा है। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ
हाँ पूछे पूछे क्या आप फोन से भी क्या लॉगिन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोन से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने दो दो जगह से अपने आप को लॉगिन कर रखा है अभी? मैंने दो जगह से लॉगिन नहीं कर रखा, मैंने तो बस एक ही जगह से लॉगिन करा है। आवाज सर अभी भी दिक्कत आती थी ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं वो बाकी लोगों में से किसी ने माइक ओपन कर रखा है, मुझे होल्स बनाई है तो मैं म्यूट कर देता हूँ। देयर आर सो मेनी, आप इसमें देखिए ना, माइक ओपन देख रखे हैं। अब बाकी लोगों को प्लीज को करिए और मुझे आप होस्ट बनाइए, मैनेज। अभी आवाज पूरी साफ आएगी, आवाज आ रही है क्योंकि मल्टीपल माइक ओपन है। आप मुझे होस्ट बना दीजिए, अभी मैं सब मैनेज कर देता हूँ, आवाज क्लियर आएगी, डोंट वरी। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हाँ ठीक है, अभी देखिए आवाज भी सही आएगी, इको भी नहीं आएगा। अभी देखिए आवाज साफ आ रही होगी, अभी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो आपको आपको ज्ञान ज्ञान संचय पोर्टल पर रहना है और वहां पर अपने ई कंटेंट को आपको अपलोड करने के लिए टीचर्स लॉगिन करना है। और जब भी आप टीचर्स लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा ऐड सब्जेक्ट। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, तो सपोज मेरा मन है कि मुझे इनकम टैक्स पे 6 लेक्चर अपलोड करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं सब्जेक्ट को चूज करूंगा इनकम टैक्स और मैं वहां पे लिखूंगा इनकम टैक्स लेक्चर नंबर 1, इनकम टैक्स लेक्चर नंबर 1, और आगे कोई टॉपिक भी डाल दूंगा। सपोज हमें लिखना है टैक्स रेट कि किन किन रेट से टैक्स जाता है, तो सपोज पहले लेक्चर में हमें ये पढ़ाना है तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट में इनकम टैक्स, फिर नीचे लिखेंगे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 का हम टॉपिक भी, हम लेक्चर नंबर 1 का नाम भी डाल देंगे इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स में कौन कौन से एग्जम्पशन मिलते हैं या कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, ऐसे हम लिख देंगे। या मान लीजिए हमें सब्जेक्ट पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाना है, तो ये लिख देंगे। फिर YouTube पे आपने अपना वीडियो अपलोड कर रखा होगा, ध्यान रखना है, आपने जो भी वीडियो बनाया है वो आपको YouTube पे अपलोड करना है पहले अपने चैनल पे। YouTube चैनल पे जाएंगे अपना, आप जैसे अब YouTube वीडियो कोई भी देखते हैं किसी और का भी, तो उसका लिंक कॉपी कर लेंगे, YouTube चैनल का लिंक कॉपी कर लेंगे और बस केवल वो लिंक लाकर आपको ज्ञान संचय पोर्टल में कॉपी कर देना है। वहां पर लिखा होगा शेयर योर वीडियो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप तो अपना YouTube चैनल क्रिएट कर, आप नहीं कर पा रहे हैं YouTube पे देख लीजिए कैसे चैनल बनाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं अपने घर में किसी बच्चे से पूछ लीजिए YouTube का चैनल, अपने नाम से YouTube पे चैनल बनाइए और जो भी वीडियोस आप बना रहे हैं उसको YouTube चैनल पर ही आप अपलोड करिए, ज्ञान संचय पे नहीं पहले आएगा। अब YouTube चैनल पे आपने वीडियो अपलोड कर दिया, सपोज मैंने इनकम टैक्स वाला बताया तो मैंने उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, फिर मैं अपने YouTube पे जाऊंगा, उस वीडियो को प्ले करूंगा, वहां पर नीचे लिखा होता है कॉपी, लिंक को कॉपी कर लूंगा। अब ज्ञान संचय पोर्टल पे आऊंगा, लॉग इन करूंगा, अपलोड लेक्चर में जाऊंगा, वहां पूछेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम डालूंगा, लेक्चर नंबर 1 उसका नाम डालूंगा और बस वीडियो जहां पूछेगा शेयर वीडियो वहां पर वो कॉपी जो करके लाए थे पेस्ट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आकर वहां पर पब्लिश का एक बटन होगा हमारे ज्ञान संचय पोर्टल पे पब्लिश, तो उसको आप पब्लिश कर देंगे। ये एक प्रोसेस है, आप चाहे तो आप वीडियो की जगह पीडीएफ भी डाल, आप चाहे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन सजेशन यही है जो वीसी सर की गाइडलाइंस है कि वीडियो पे हमारा फुटेज ज्यादा है। दूसरा, जो टीचर्स यूजी और पीजी दोनों पढ़ा रहे हैं, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर को देख रहे हैं आपके टाइम टेबल में अगर सेमेस्टर है प्राइस रहे कि आप सेकेंड सेमेस्टर से, और इनके अगर आप सेकेंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी क्लास इन द सेकेंड सेमेस्टर तो कोई इशू नहीं है, आप जो भी क्लास ले रहे हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में भी है तो शुरुआत आप सेकेंड सेमेस्टर से करें। अब आप में से किसी और के कोई और सवाल है तो मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप जो है पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने अपने एंड से
आप तक शेयर कर दी। सर इसमें जैसे हम लोग पीपीटी डालेंगे तो पीपीटी को तो जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तभी हम लोग दिखाते हैं, तो पीपीटी में उस समय हम लोग वॉइस उसमें ऐड करेंगे कि सर? हाँ मैम बता रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आपने पीपीटी बनाई है तो आपको मैं ऐप दो तीन ऐप बना बता दे रहा हूँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से इन शॉर्ट्स की एक ऐप है, इन शॉर्ट्स फ्री ऐप है, इन शॉर्ट्स, या एक ऐप का नाम है यू कट, वाई ओ यू सी यू टी, यू कट। तो इन शॉर्ट्स या यू कट की आप ऐप ले लीजिए और उसमें आप अपनी पीपीटी को ऐड कर दीजिएगा, साथ में आएगा ऐड वॉइस, ऐड वॉइस, तो आपकी पीपीटी वहां दिखेगी और साथ साथ आप जो भी बोल रहे होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इट मीन्स अब आपकी पीपीटी वीडियो बन जाएगी। बहुत शानदार तरीका है ये भी। दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर पीपीटी, अगर आपकी पहले से पीपीटी है तो उसमें वॉइस ओवर ऐड कर दीजिए और अब ये बन जाएगा वीडियो, तो आप उसको वीडियो की कैटेगरी में जाकर अपलोड कर दीजिए। अभी आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैम से भी रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप बना लीजिए अपने कॉलेज के नाम से, ज्ञान संचय अपने कॉलेज के नाम से। लगभग मेरे पास 9 ग्रुप बने रिजिस के, 10वां आपका हो जाएगा। और अभी इस मीटिंग का जो भी ब्रीफ है, जो आप लोग इस मीटिंग से समझ पाए हैं, जिन जिन का पार्टिसिपेशन है उसका मुझे एक समरी भी भेज दी, तो मैं जहां जहां मुझे शेयर करना होता है विल शेयर। और ऐसे मीटिंग जो आप ग्रुप पे डिस्कशन करते रहिएगा तो उसमें आप सब लोगों को और क्लैरिटी होती रहेगी। और आप लोग ऐसे ही शुरुआत करिए, ये आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपके पास पहले से कंटेंट होगा, बच्चों को बोल सकते हैं देखो मेरा यही कंटेंट है, घर से इसको पढ़ के आना, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, इसको आप घर से पढ़ के आना। तो बच्चों के लिए और आप सब लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज होने वाली है, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछे सर। इस तरीके से अगर बच्चे ऑनलाइन, कोरोना वायरस का टाइम था और लॉकडाउन तब के, सर ऐसे तो क्लास में बच्चे बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे, क्लासेस कॉलेज क्लासेस नहीं आएंगे, तो ये कितना सही है सर? नहीं नहीं देखिए, कितना सही है गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो गवर्नर साहिबा का आदेश है। कंसोर्टियम, उन्होंने अभी 3 दिन पहले कंसोर्टियम भी हमको बोला है। कंसोर्टियम का मतलब है कि ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें सारे स्कूल के टीचर्स पढ़ाए और कोई भी स्कूल का बच्चा किसी भी स्कूल टीचर से, कॉलेज टीचर से देख सके। इसका पर्पज ये नहीं कि बच्चा घर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर क्लास में सीधी, लेकिन हम लोग सीधी से फेस कर रहे हैं बच्चा बिल्कुल कॉलेज में नहीं आते हैं। सीधी सी एक बात है कि अगर टीचर देखे वो, ये ऑनलाइन एक अलग चीज है, आपका जो सवाल उसका विस्तृत है, लेकिन मेरे नजर में अगर क्लास में टीचर जबरदस्त पढ़ा रहा है, ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए, तो फिजिकल अटेंडेंस का कोई तोड़ नहीं होता है, और जब क्लास में टीचर मेहनत नहीं करेगा तो बच्चा क्लास में नहीं आएगा। आप ऑनलाइन दे दीजिए, बच्चा घर पे पढ़ेगा, लेकिन अगर आप क्लास में मेहनत करेंगे तो वो क्लास में जरूर आएगा और ऑनलाइन उसके लिए बोनस होगा। तो जो ऑनलाइन दिया जा रहा है वो उसके लिए बोनस है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स है और ये नॉलेज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये पर्पस ये है। वर्षों से हम सब पढ़ा रहे हैं, जाते हैं बोर्ड पूरा भरते हैं फिर अपने हाथों से बोर्ड को मिटा के चले आते हैं। आप देखिए यहाँ पे ज्ञान का सही मामले में संचय हो रहा है, व्हाट एवर यू आर टीचिंग दैट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड। आपके खुद के लेक्चर रिकॉर्ड होके रखे हुए हैं, 3 साल 4 साल बाद आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके कितने लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे। तो क्लास में बच्चे को पढ़ाना वो एक डिफरेंट आर्ट है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना कोविड टाइम, ना ऑनलाइन, ना बायजूस, कोई उसको तोड़ नहीं पाया है। जहां आज की डेट में भी देख लीजिए, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख लीजिए, चाहे IIT मेडिकल के हो, ऑनलाइन पढ़ाई जो होती थी वो अलग है, लेकिन जो ऑफलाइन का मजा है मैम वो बिल्कुल ही अलग है। तो उसके लिए एक अलग एफर्ट लगता है। बात कर रही हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस का अपना एक तरीका होता है, बच्चों के साथ हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर पाते हैं। हाँ फिर ऑनलाइन वो चीज नहीं रहती, वन वे हो जाता है। आप इसको पहले बच्चे को आप पढ़ा दीजिए ना ऑफलाइन, आप ऑफलाइन पहले बच्चे को क्लास में पढ़ाइए टॉपिक, और उसके बाद आप 2-4 दिन बाद उससे रिलेटेड मटेरियल रिवीजन के तौर पे बनाकर, क्वेश्चन बैंक बनाकर आप अपलोड करिए, बच्चे का तो डबल फायदा है। आप ऑफलाइन बच्चे को बुलाइए पहले। जी एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपने शायद अभी थोड़ा लेट ज्वाइन करा, मैंने काफी देर बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ।
ज्ञान संचय पोर्टल पे आपको जाना है, वहां पर लिखा होगा टीचर लॉगिन, राइट साइड कॉर्नर पे टीचर लॉगिन, और टीचर लॉगिन के नीचे लिखा होगा कॉन्टेक्ट अस, फिर वहां पर अभी आप तुरंत मीटिंग के बाद जाइएगा, देखिएगा टीचर लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस, उसको जब क्लिक करेंगे तो वहां पर एक छोटा सा गूगल फॉर्म भर के आ जाए, बन के आ जाएगा। गूगल फॉर्म पे आपको जरा सी इन्फॉर्मेशन डालनी, अपना नाम, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट और आपका टीचर कोड डालना है, फिर आपको बस घर पे बैठ जाना है। दो दिन बाद हमारी तरफ से आप मेल चेक करिएगा, आपका टीचर लॉगिन आईडी आ चुका होगा। ज्ञान संचय पोर्टल पे जाना है और राइट साइड में टीचर लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस लिखा होगा, और वहां पर जाकर आपको अपना डिटेल शेयर करना है गूगल फॉर्म पे, और फिर उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मेल पर आ जाए। आप जाइए टीचर लॉगिन पे, टीचर लॉगिन पे वापस जाइए, वही अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, और आप जाकर अपना जो भी ई कंटेंट है वहां पे आएगा, अपलोड योर ई कंटेंट, अपलोड करते जाइए। अपलोड करने के बाद जैसे सबमिट होता है तो वहां आएगा पब्लिश, फाइनल बटन होगा पब्लिश, पब्लिश कर दीजिए, आपका डेटा पब्लिश हो गया, आपका वीडियो, आपका जो भी पीडीएफ है वो पब्लिश हो जाएगा। आप ज्ञान संचय पे खुद भी देख सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ पर है, तुम लोग देखो इसको, पढ़ो। सर जैसे हम लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं अपने लेक्चर के, तो उस वीडियो में हम लोग एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगर कुछ एडिटिंग करने के लिए मैम देखिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन मैंने आपको दो तीन ऐप बताई हैं और मैं एक ऐप और बता रहा हूँ, और एक ऐप है, देखिए ये आज लास्ट क्वेश्चन ले पाऊंगा क्योंकि 8:15 में मेरी एक और मीटिंग लगी है, 8:15 से अभी 9 बजे तक की एक और मीटिंग है और फिर उसके बाद एक और मीटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ एक और ऐप है, आप लोग नोट कर ले, वीडियो पांडा ऐप है, वीडियो पांडा, PANDA, वीडियो पांडा। ये क्या काम करती है, वीडियो पांडा ऐप आपके वीडियो के साइज को कंप्रेस कर देती है, वीडियो के साइज को, जैसे आपने बड़ा वीडियो बनाया 40 मिनट का तो उसका साइज हो जाएगा पता चला 1 GB, उसको 300-200 MB में लाने का काम करती है। वीडियो पांडा ऐप में जाएंगे आपके फाइल का साइज छोटा हो जाएगा, एक चीज। और एडिटिंग करने के लिए मैंने अभी आपको बताया यू कट प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फ्री ऐप है, जितना मन करे आप एडिटिंग करिए, आप अपना सुंदर सुंदर लाइन लिख लीजिए, हेडर लगा दीजिए, फुटर लगा दीजिए, ब्लिंक करता हुआ कुछ लिख के आना चाहे, म्यूजिक डालना चाहे, व्हाटएवर यू थिंक, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो यूकट पे आप कर सकते हैं, या एक और ऐप है उसका नाम है इनशॉट, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज और कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक में आप लोग अगर प्लान करिएगा कल परसों में मुझसे ऑनलाइन, तो मैं आपके कॉलेज में एक विजिट प्लान कर देता हूँ, आधे घंटे का सेशन कर लेता हूँ, आप लोग से मुलाकात भी हो जाएगी और मैं कॉलेज आके एक सेशन आप लोग के साथ में कर देता हूँ, और उसके बाद 1-1.5 महीने में आप में से भी जो दी बेस्ट काम करेगा, देखिए हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम सभी लोग एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं, तो कॉलेज वाइज जो अच्छा कंटेंट डेवलप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देंगे, हम उनको अलग से फेलिसिटेट करवाएंगे, आपके कॉलेज आके खुद फेलिसिटेट। तो नेक्स्ट वीक में आप चाहें तो आधे घंटे का मैं एक सेशन आपके यहाँ प्लान करके आ सकता हूँ, ऑल्दो नेक्स्ट वीक में मेरे 4 प्रोग्राम अभी फाइनल है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके कॉलेज भी आकर हाफ एन आवर का एक प्रोग्राम ले लूंगा। मैम व्हाट्सएप पे आपसे बात हो रही है, बस एक दो कल आप मुझे कल रिमाइंड कर दीजिएगा, फिर मैं शेड्यूल देख के आपको बताता हूँ। और सर हमारे साथ में इस समय डिफरेंट कॉलेजेस के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग जुड़े हुए हैं, तो हाँ, और हम लोगों का ग्रुप वैसे बेसिकली ड्राइंग एंड पेंटिंग का है, तो हम सारे ही लोग आपके साथ में ये बातचीत करना चाहते थे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, एंड आई डू अप्रिशिएट, और आप इसको ऑफलाइन भी करिए, मैं आता हूँ। और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने विंग के दूसरे विंग के तमाम टीचर्स को अवेयर करिए, और जो हमारे ये शुरू के साथी हैं, जैसे मैम ने ये बीड़ा उठाया है, तो आप लोग जितने एफर्ट कर रहे हैं, रियली आई एम सो थैंकफुल कि कम से कम हम सब लोग बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं। और आप कल मुझे मैम रिमाइंड करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं टाइम शेड्यूल देखकर आपको बताता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीक में आपके कॉलेज आने का बनाता हूँ, आधे घंटे का प्रोग्राम। ठीक है सर, बिल्कुल सर, अपने ग्रुप में हम आपको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐड करिए, बिल्कुल ऐड करिए, ताकि मैं भी आपको और चीजें उस पर बताता रहूंगा, बिल्कुल ऐड करिए। और आप मुझे एक छोटा सा राइटअप लिख के दीजिएगा, ताकि मैं उसको और ग्रुप में भी और वीसी सर से भी मैं पर्सनली, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट वीसी सर के कोऑर्डिनेशन से ही चल रहा है, तो हर एक अपडेट उन तक जाती है, मैं उनसे भी शेयर करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, हम बिल्कुल अभी आपको, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।
और आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि बहुत जल्दी इन पर्सन कॉन्टेक्ट करेंगे। अपना अपना ग्रुप के ऊपर जरूर आप लोग अपना एक काम कर लीजिएगा। जब ग्रुप आप अभी फॉर्म कर लीजिएगा, ग्रुप के ऊपर अपना मैसेज या फीडबैक लिख दीजिएगा आज की मीटिंग का, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है आगे शेयर करने के लिए। ठीक है, और उसमें अपना नाम भी लिखिएगा, जो फीडबैक दीजिएगा नीचे अपना नाम और डिपार्टमेंट भी लिखिएगा, ताकि और टीचर भी ये देखें कि आप लोग यहाँ पर इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं या अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, जैसा आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे हम लोग वैसे ही करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि हम लोग अच्छा कर पाएंगे आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू।